स्प्लेंडर BS6 2022 का मॉडल है, और इस बाइक के अंदर दिक्कत क्या आ रही है कि ये BS6 बाइक है, जैसा कि आपने देखा इसके अंदर यहाँ पे प्रोग्रामिंग FI लिखा है और यहाँ पे थ्रोटल बॉडी लगी हुई है। ये देखकर आपको पता चल ही गया होगा प्रॉब्लम काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि हर एक मैकेनिक के पास ऐसी इंफॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। और इस बाइक के अंदर दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे ही बाइक का अपन स्विच ऑन करते हैं तो बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सेल्फ से स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से मैं यहाँ से जो इसका इग्निशन ऑन करता हूँ और बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर बाइक के अंदर आती कहाँ से है, और इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम यही है इस बाइक के अंदर कि बाइक का जैसे ही मैं इसका यहाँ से इग्निशन ऑन करता हूँ और ये बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हर एक मैकेनिक के मन में यही डाउट रहता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। और आफ्टर मैकेनिक भाइयों के पास कभी गैराज में ऐसी प्रॉब्लम को लेकर बाइक आए तो उसको जो मैकेनिक है वो इजीली और आसान तरीके से किस प्रकार से सॉल्व कर सके, तो सबसे पहला डाउट जाता है अपने कि जो इसका सेल्फ रिले है वो डायरेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम तो ये आती है कि जो इसका सेल्फ रिले है वो डायरेक्ट हो जाता है। और फिर से मैं आपको एक बार बाइक को स्टार्ट करके दिखाऊँ, यहाँ पर जो इसका सेल्फ वाला बटन है ये लगा हुआ है, और जैसे ही मैं बाइक को यहाँ पर स्विच ऑन करता हूँ और बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो इस बाइक के अंदर मेन यही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपन जो इसका रिले है उसे चेक करते हैं कि रिले के अंदर कोई दिक्कत है या फिर नहीं। तो ये हमने इसका राइट साइड का पैनल ओपन कर लिया है और यहाँ पे लगा होता है जो इसका सेल्फ रिले। बाय चांस ऐसी प्रॉब्लम किसी मैकेनिक भाई के पास या फिर किसी कस्टमर की बाइक में हो तो काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि अक्सर बाइक को कभी अपन ऐसे घर पर छोड़ दें या फिर मान लीजिए कभी भी किसी के पास छोड़ दें और बाइक गियर में रहे और जैसे ही बाइक का स्विच ऑन करे तो बाइक में एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो इस वजह से जो इसके अंदर एक यहाँ पे रिले लगाया हुआ है तो इस रिले के अंदर शायद कोई दिक्कत हो सकती है। यदि इसके अंदर दिक्कत नहीं हो तो आपको कौन कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपको अपनाना है, जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो फटाफट से जो इसका रिले है इसे बाहर निकालते हैं। तो ये हमने कुछ इस प्रकार से जो इसका रिले है इसे यहाँ से ओपन कर दिया है, और फिर से बाइक के अंदर यहाँ पे जो इसका स्विच है वो ऑन करते हैं। तो यहाँ पे बाइक पूरी तरीके से ऐसी की ऐसी है, यानी कि बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो एक बार के लिए अपन करने क्या वाले हैं इसके अंदर कि ये तो बाइक के साथ का रिले है और इसके अंदर अपन न्यू रिले ऐड करने वाले हैं, यानी कि दूसरा। तो ये मेरे पास है यहाँ पे एक दूसरा रिले, तो इसे भी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बाइक के अंदर यदि रिले डायरेक्ट हो जाता है तभी बाइक के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से जो मैं ये रिले है इसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसे इग्निशन ऑन करता हूँ तो ये देख सकते हो बाइक फिर से स्टार्ट हो गई है, यानी कि जो ये रिले है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाइक के अंदर जो इसका ये वाला रिले है ये भी सही है, यानी कि इसके अंदर दिक्कत नहीं है। और इसमें दिक्कत अब डाउट जाता है कि अब दिक्कत कहाँ पर हो सकती है। तो इसमें कई मैकेनिक भाइयों का डाउट जा रहा होगा कि शायद इसके सेल्फ के अंदर कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है। आपको जो इसका यहाँ पे वाइजर है इसे ओपन करना होगा और यहाँ से वो जो वायरिंग हार्डनेस है उनको चेक करना होगा। तो फटाफट से जो इसका यहाँ पे वाइजर लगा होता है तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो इसके हेडलाइट है इसे ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये वाला वायर, ठीक है, येल्लो पे रेड पट्टी और एक है यहाँ पर ग्रीन वायर। तो ये वायर आ रखे हैं डायरेक्ट अपने यहाँ पे जो सेल्फ वाला बटन है यहाँ से, तो इसके अंदर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से करने क्या वाले हैं, इसे सबसे पहले अपन बाईपास करते हैं यहाँ से, इस प्रकार से आपको इसे निकाल लेना होगा इस प्रकार से। और अब यहाँ पे रिले लगा हुआ है और बाइक को जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो बाइक के अंदर कहाँ से है, जो ये वाला यहाँ पे सेल्फ वाला बटन है यहीं से बाइक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अपन एक बार न्यू बटन ऐड करके देखते हैं, यानी कि जो इसका मुट्ठा है वो न्यू ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसकी सेल्फ स्टार्ट की यानी कि डायरेक्ट सेल्फ स्टार्ट होने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, क्योंकि अक्सर बाइक के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से आती है। तो यहाँ पर ये अपने पास है एक सेल्फ स्विच, तो इसके लिए अपन करने क्या वाले हैं कि इसे अपन यहाँ पर ऐड करते हैं। इसे ऐड करने के बाद जो इसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर बाइक के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है सेल्फ को लेकर, यानी कि सेल्फ डायरेक्ट रहता है
तो वो प्रॉब्लम यहीं पे आती है, यानी कि चाबी ऑन करने पर जो बाइक है वो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे जो बटन है इसे ऐड कर दिया है, और जो यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है इसका मैंने कनेक्शन यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से तभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम ऐसी आई कि बाइक डायरेक्ट चाबी ऑन करते स्टार्ट हो, तो उस प्रॉब्लम को आप इजीली और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अब जैसे मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई सेल्फ से, और यहाँ पे जो इसका रिले है वो लगा हुआ है, और जैसे ही मैं अब इसका सेल्फ वाला बटन प्रेस करता हूँ तो बाइक स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम थी बाइक के अंदर, जो चाबी ऑन करते ही डायरेक्ट बाइक स्टार्ट हुए जा रही थी, यानी कि सेल्फ की प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट निकालने के लिए आपको जो इसका सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो इसका यहाँ पे रिले होता है ये चेक कर लेना। यदि उसके बाद भी यदि बाइक के अंदर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसके बाद में जो ये वाला स्विच है इसे आपको यहाँ से रिमूव कर कर देखना है, ठीक है। ये मैंने इसका कनेक्शन यहाँ से हटा रखा है, और आपको न्यू स्विच ऐड करना है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर इसी के अंदर दिक्कत हो जाती है तब बाइक के अंदर ये वाली प्रॉब्लम। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।